नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि रोल कुंवर सिंह इन रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पिछला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कॉजेज और उसका कंसिक्वेंसेस और ये सब है, ठीक है। तो स्पेशली आज देखेंगे, उसमें पिछला क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड था, आज मतलब कुंवर सिंह का स्पेशल रोल क्या है। तो एक फ्लो चार्ट हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, प्री प्लानिंग, लीडरशिप, जो जो हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में, रूलर्स स्किल, जो एबल्ड रूलर का एक स्किल होता है, अलायंस विथ अदर रूलर, ये भी स्किल में ही अगर अलग पॉइंट बना दिया, और इनका पर्सनल बिहेवियर, जो एक मतलब कैसे ये सब बिहेवियर रोल प्ले किया इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने में। प्री प्लानिंग में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि अर्ली प्रिपरेशन था, इसका एग्जांपल हम लोग को दिख जाएगा कि फोर्ट रिपेयर या रेस्टोरेशन ये पहले ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि इससे पहले भी जब इनका जो था वो सीज कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब से एक तनातनी था ब्रिटिशर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में प्री प्लानिंग था इसके लिए कि एक रिवोल्ट होगा। कुछ फैक्ट्री सेटअप कर लिए थे जहाँ पर आर्म्स और अदर इग्निशन और जो भी अदर बना रहे थे। आर्मी का अरेंजमेंट 10,000 सोल्जर का ये पहले से ही प्री प्लान करके रखे थे कि, तो इस सबसे दिखता है कि ये एक मतलब फोर साइटेडनेस जो एक बिहेवियर होता है इनमें काफी था। लीडरशिप में नेचुरल लीडर इनको पब्लिक मानती थी क्योंकि इनका लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर था। एबल्ड स्किल्ड और एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग था। दूसरा, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक में बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर इनको एक लीडर के रूप में मतलब ये हम मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में कि इनका क्या रोल था। उसके बाद इवेंट को हम लोग अगर मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैप्चर्ड आरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज रूलर। तो उसी समय ना कैप्टन डेनिवर को यहाँ दानापुर से भेजा गया था, दानापुर से कैप्टन विनर को भेजा गया था कुंवर सिंह में, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कुंवर सिंह यहाँ वॉन जीत जाते हैं और डेनिवर जो यहाँ पर हार जाते हैं। उसके बाद क्या, मेजर विंसेंट आई को ब्रिटिशर्स के तरफ से भेजा जाता है, जो कि कुंवर सिंह को पकड़ने जाते हैं जगदीशपुर, ये हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे जगदीशपुर, लेकिन पकड़ नहीं पाते, इससे पहले ही ये यहाँ से यूपी भाग जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्लू कर जाते हैं, पकड़ नहीं पाता है मेजर विंसेंट टाइप। अब इनका जो एक और देखेंगे कि अलायंस बनाने का क्या था, जैसे हम बताए कि यहाँ से ये यूपी चले गए थे, यूपी में सबसे पहले जाते हैं कानपुर, मिलते हैं किससे, पेशवा नाना साहेब और उनके साथ ही तात्या टोपे से मिलते हैं, और वहां उनके साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से अगर फाइट करते हैं और जीतते हैं। फिर वहां से ये क्या करते हैं, कानपुर, फिर ये लखनऊ चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, रिवेल लीडर जो ट्रेडर मतलब ट्रेडर सबके साथ मिलकर आजमगढ़ को कैप्चर कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स से छुड़ा लेते हैं। तो आजमगढ़ के बाद आगे हम बताएंगे इनका, देखिए ब्रेव और करेजियस जो हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करे थे, जो इसमें मेंशन करेंगे इनका रोल जो है, रोल है ये लीडर, कि जब आजमगढ़ यहाँ पहुंचे तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वो थे वो लॉर्ड हगर्ट को भेज देते हैं पकड़ने के लिए इनको, लेकिन पहले ही इनको पता चल जाता है, तो ये क्या करते हैं वहां से आजमगढ़ से ये गाजीपुर की तरफ मूव कर जाते हैं। गाजीपुर के मूवमेंट में उसके बाद क्या, लॉर्ड हगर्ट जो है वो डगलस को भेज देते हैं कैप्चर करने के लिए इनको। तो यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे कि डगलस वर्सेस कुमार सिंह, कुमार सिंह यहाँ पर जीत तो जाते हैं पर ये इंजर्ड हो जाते हैं, और ये डेट आपका एक याद यहाँ मेंशन करेंगे कि 22 अप्रैल 1858 को क्या था, डगलस वर्सेस इसमें युद्ध होता है, कुमार सिंह जीत जाते हैं पर इंजर्ड हो जाते हैं, इनको मतलब एक बुलेट लग जाता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। और इसी समय एक मेंशन करेंगे 25,000 का कैश प्राइज भी इन पे रखा गया था, अगर इनका अरेस्ट कर करवाता पकड़ाता है तो उसको 25,000 इनाम दिया जाएगा। इनके बारे में एक मतलब कथन है जो कि 80 वर्ष की उम्र में भी जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ये सब लाइन शो करता है कि ये कितना करेजियस, ब्रेव, फोरसाइटेडनेस इनमें कितना ज्यादा था और देश के प्रति कितनी प्रेम भावना थी, ये सब सारा चीज ये शो करता है। इट एट एज ऑफ मतलब 80 अगर ये फाइट करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो जाता है ड्यू टू इंजरी, जो भी उनका बुलेट लगा था उस समय मतलब जगदीशपुर में थे। इंस्पिरेशन में हम लोग मतलब मेंशन करेंगे कि जो भी 80 वर्ष की उम्र में थे तो वो एक तरह से इंस्पिरेशन ही थे अदर लीडर के लिए मूवमेंट जो इनके इनके भाई इनके डेथ के बाद स्ट्रगल को कंटिन्यू किए। इनका रिमार्केबल रोल रहा रिवोल्ट में, ब्रेवरी, फोरसाइटनेस, डिसिप्लिन, डिप्लोमेटिक एंड अदर स्ट्रेटेजिक स्किल, ये जो भी है फाइटिंग स्किल जो भी था। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन
का एक कथन है, ये भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। उन्होंने कहा था कि ही वुड हैव बीन यंग द ब्रिटिश वर हैव टू लीव इंडिया, मतलब अगर उस समय बहुत ही यंग रहते, जवान रहते, तो शायद उसी समय ही हम लोग को आजादी मिल जाता ब्रिटिश से। तो ये सारा कुछ पॉइंट, इनका रोल हम लोग मेंशन करेंगे, कहाँ कहाँ ये किसके साथ मिले, क्या किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।